इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऑक्सीजन संकट से अब जिंदगी की डोर टूटने लगी है। सांसों की संजीवनी न मिलने की वजह से लोग दम तोड़ रहे हैं। दिल्ली से यूपी और पंजाब तक हाहाकार मचा हुआ है और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अमृतसर से आ रही है, जहां नीलकंठ अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 6 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 कोविड मरीज थे। इस घटना के बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। मृतकों के परिवार वालों ने अस्पताल पहुंचकर जोरदार हंगामा भी किया और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। ये तस्वीरें आप अमृतसर के अस्पताल की देख रहे हैं, जहां पर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से मरीजों की जान चली गई। जो जानकारी हमें मिल रही है, 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। और ये तस्वीरें अमृतसर के उस अस्पताल से देख रहे हैं, जहां ऑक्सीजन प्रेशर कम हुआ और जिंदगी हार गई। ऑक्सीजन के कारण इंजन टाइप प्रॉब्लम थी, तो हम इधर आए थे और इनकी हम सर्विस ले रहे थे वेंटिलेटर की। कहाँ पे? ये जो नीलकंठ हॉस्पिटल है। तो रात इनकी को 11-10 बजे के करीब ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। पाँच छः मरीजों की डेथ हो गई ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से। सर, हॉस्पिटल की मेजर मिस्टेक है जी, ब्लेंडर मिस्टेक है। देखिए, हमने इनसे सर्विस ली, हम इनको पर डे 45,000 पे कर रहे थे, इसीलिए कर रहे थे सर्विस के लिए। अगर इनके पास कैपेसिटी नहीं थी, इनको पेशेंट कम रखने चाहिए थे। अगर पेशेंट रख भी लिए थे और ऑक्सीजन का इंतज़ाम करके रखना चाहिए था। सेकेंडली, जब रात को ये सारा इंसिडेंट हुआ, तो हमने सब डॉक्टर से या इनके स्टाफ से बात करने की कोशिश की, कोई भी सुन नहीं रहा था, कोई भी कुछ नहीं। और सुबह ऊपर से अलग परेशान किया गया डेड बॉडी लेने के लिए, कि हाँ ऐसे कर देंगे, कोविड में डाल देंगे, वो कर देंगे। इवन कि हमारे पेशेंट की कल जो रिपोर्ट आई है कोविड की पंजाब सरकार की लैब से, वो नेगेटिव आई है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।